हिरोशिमा और नागासाकी की कुछ खौफनाक सच। एकदा महान फिलोसोफर, लेखक, जर्नलिस्ट अल्बर्ट ह्यूमस ने कहा था कि जब युद्ध छेड़ता है तब लोग उसे बुद्धू कहते हैं, लेकिन सचमुच युद्ध बुद्धू ही होता है क्योंकि उसे खुद को रोकना नहीं आता। इसका उदाहरण है 1945 के 6 और 9 अगस्त। इस दिन अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम गिराए थे, जिसका प्रभाव 1 से 2.5 लाख लोगों को चुकाना पड़ा था। 2 शहर पूरी तरह तबाह हो गया था। इसी तबाही और उसके बाद की कुछ घटनाओं के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, गेन न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बम के कोड नेम एक फिल्म द मेल्टेस फैल्कन से लिया गया था। हिरोशिमा में जो यूरेनियम गन टाइप बम था उसका कोड नेम लिटिल बॉय था, और जो नागासाकी में प्लूटोनियम इम्प्लोशन टाइप एटॉमिक बम गिराया गया था उसका कोड नेम फैटमैन था। नागासाकी फर्स्ट टारगेट नहीं था। जी हाँ दोस्तों, नागासाकी फर्स्ट टारगेट नहीं था। टारगेट कमिटी के अनुसार 5 जगहों को चुना गया था। उनके नाम था कोकुरो, हिरोशिमा, योकोहोमा, निगाटा और क्योटा। लेकिन उस समय के सेक्रेटरी ऑफ वार ने क्योटो शहर के नाम को हटा दिया था और जुलाई के 25 तारीख को नागासाकी का नाम डाल दिया गया। जापानी रडार ने बम ले जाने वाले प्लेन को पहचान लिया था। सुबह के 8:15 को हिरोशिमा में जो प्लेन बम गिराने वाले थे उसे पहचान लिया गया था, लेकिन 3 विमान बहुत ही ऊपर होने के कारण ऑपरेटर ने उस चेतावनी को 8 बजे हटा लिया था। नागासाकी भी सेकंड टारगेट नहीं था। आपने सही सुना है, नागासाकी भी सेकंड टारगेट नहीं था। असल में फैटमैन नामक बॉम्ब को 11 अगस्त कोकुरो शहर में गिराया जाना था, लेकिन खराब मौसम और बम गिराने के दौरान धुआं होने के कारण विमान बार बार कोकुरो शहर के चक्कर काटने लगा था। बार बार चक्कर काटने के दौरान विमान का तेल खत्म होने के कगार पे खड़ा हुआ था। इसके बाद ही नागासाकी पे बम गिराने का फैसला लिया गया। नागासाकी के पुलिस वाले डक एंड कवर नामक प्रक्रिया का पालन किया था। इसी के कारण नागासाकी में एक भी पुलिस वाले एक्सप्लोशन के समय मारे नहीं गए थे। जी हाँ दोस्तों, 1946 में हिरोशिमा के एक प्रकाशित किताब में पाया गया है कि कैसे हिरोशिमा के पुलिस वाले नागासाकी जाके वहाँ के पुलिस वालों को ट्रेनिंग दिया था, जिसके कारण नागासाकी के एक भी पुलिस वाले मारे नहीं गए थे। लेकिन बेचारे साधारण नागरिक इस प्रक्रिया का सही प्रयोग नहीं कर पाए। बम फटने के बाद कुछ जगहों पर परमानेंट परछाई बन गई थी और उस परछाई को आज भी देखा जा सकता है। थर्मल रेडिएशन क्योंकि सीधा जाती है, इसलिए उसके रास्ते में जो भी आता है उसका परछाई प्रस्तुत कर देता है, जिसको न्यूक्लियर शैडो बोला जाता है। वही हुआ था बम फटने के समय। जो भी उसके सामने आया उसके शरीर मिनटों में गायब हो गया और उसका परछाया परमानेंट दीवार या फिर रास्ते में बन गया था। इस घटना ने 1 से 2.5 लाख लोगों की जान ले ली थी। नागासाकी में जो बम गिराया गया था उसके कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो सकती थी, लेकिन वहां के उरुकामी वैली के कारण बहुत लोगों की मृत्यु नहीं हो पाई और बहुत लोग बच गए थे। उसका और भी एक कारण है, नागासाकी में जो शक्तिशाली बम गिराया गया था वो खराब मौसम के कारण 3 किलोमीटर पहले ही गिराया गया था। लगभग 10% क्षतिग्रस्त लोग कोरियन थे, जो ज्यादातर बंदूक या फिर जापानी फौज के सामान बनाने के काम करते थे। उसके बाद आता है दोस्तों 270 मिलियन पुराना गिंको बिलोबा नामक पेड़ का नाम, जो एकमात्र जीवित सबूत है इस घटना का। सिर्फ कुछ ही ऐसे पेड़ आज भी देखे जा सकते हैं। ये सब पेड़ बम फटने के समय पूरा खत्म हो गए थे और जल्दी ही वहाँ पे फिर से उग गए हैं। बोले जाते हैं कि हिरोशिमा पीस फ्लेम, जो कि हिरोशिमा पीस मैदान पे बना हुआ है, एक स्तंभ में है। ये तब तक जलेगा जब तक पूरे दुनिया से न्यूक्लियर बम खत्म नहीं हो जाता।